रामनवमी के दिन जेएनयू में नॉनवेज खाने को लेकर लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच झड़प हुई थी। कई छात्र घायल भी हुए थे। इस दौरान सोशल मीडिया पर ये दो तस्वीरें शेयर की गई और दावा किया गया कि छात्र घायल होने का नाटक कर रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने दावा किया कि पहली तस्वीर में ये लड़की घायल है और नीली कुर्ती वाली लड़की बिल्कुल ठीक लग रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में नीली कुर्ती वाली लड़की घायल है और दूसरी बिल्कुल ठीक है। स्वघोषित खोजी पत्रकार व राइट विंग प्रचारक विजय पटेल और जी न्यूज के पत्रकार अनुभव शक्या ने ये तस्वीरें ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट की। अनुभव शक्या ने बाद में अपना ट्वीट डिलीट कर लिया। तो क्या वाकई में ये छात्र चोटिल होने का नाटक कर रहे थे? इस दावे की सच्चाई जानने के लिए ऑल्ट न्यूज ने जेएनयू के छात्रों से संपर्क किया। तस्वीर में ब्लू कुर्ते में दिख रही लड़की मधुरिमा कुंडू है, जो एमफिल की छात्रा और आयसा जेएनयू यूनिट की सेक्रेटरी है, और उजले टॉप में दिख रही छात्रा अख्तरिश्ता अंसारी है, वो एमए की छात्रा है और आयसा एक्टिविस्ट है। ऑल्ट न्यूज ने इन दोनों से बात की। अख्तरिश्ता ने बताया कि कावेरी हॉस्टल के मेस में कुछ लोग उत्पाद मचा रहे थे, जिसमें मधुरिमा बेहोश हो गई। उसे पानी देकर जगाया और होश आने के तुरंत बाद जब वो कावेरी हॉस्टल से बाहर निकली तो सामने से उस पर एक बड़े पत्थर से हमला हुआ, जिससे सिर पर गहरी चोट आई और खून बहने लगा। उसने कहा कि मधुरिमा की बेहोशी वाली तस्वीर पहले की है और सिर पर चोट लगने वाली तस्वीर उसके ठीक बाद की है। मधुरिमा ने भी ऐसा ही कहा। ये तस्वीरें एमफिल हिस्ट्री की छात्रा डोलन सामंता की फोन से खींची गई थी। हमने डोलन से भी बात की। उन्होंने हमसे अपनी गैलरी के स्क्रीनशॉट शेयर किए। इन तस्वीरों के टाइम स्टैम्प के मुताबिक जिस तस्वीर में मधुरिमा मेज पर लेटी है वो 8:15 पर ली गई थी, जबकि दूसरी तस्वीर जिसमें अख्तरिश्ता के सिर पर चोट लगी है वो तस्वीर 8:21 की है। दोनों तस्वीरों को क्लिक करने में 6 का गैप है। डोलन ने भी बताया कि अख्तरिश्ता को चोट मधुरिमा के बेहोश होने के बाद लगी थी। अख्तरिश्ता ने हमें कुछ और तस्वीरें भी भेजी जिसमें उनकी चोट साफ तौर पर दिखती है, यानी ये छात्राएं घायल होने का नाटक नहीं कर रही थी। भाजपा दिल्ली के प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल ने ट्वीट करते हुए दावा किया था कि जिहादियों ने रामनवमी के दिन पूजा कर रहे एबीवीपी के छात्रों पर हमला किया था, जबकि ये छात्राएं आयसा से जुड़ी हुई है न कि एबीवीपी से। 2020 में जेएनयू में हुई हिंसा के बाद भी ऐसा ही नैरेटिव देखने को मिला था। उस वक्त छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष की तस्वीर शेयर करते हुए ये कहा जा रहा था कि उन्होंने घायल होने का नाटक किया, जबकि ये सच नहीं था।